बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज ही मैं खसखास का सालन बना रही हूँ। खसखास को मैंने भिगो दिया था, आधा कप खसखास को 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसको छान लेंगे और छानने का तरीका आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको छानना है और थोड़ा सा जो बाकी बच गई है प्याले में इसमें पानी डाल के दोबारा से हम छानेंगे और फिर जो सारी मिट्टी है वो नीचे रह जाएगी। आप इसको ड्राई भी छान सकते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी है, यही मैंने आपको दिखाना था कि ये मिट्टी इसमें बहुत होती है। तो आपने इसे तरीके से ध्यान से आपने पानी से अच्छे से छान लेना है। अब ये ब्लेंडर में या किसी भी कुंडी से आप इसको अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल एक पेस्ट बना लें मुलायम सा। अब जी प्याज ले लिए हैं मैंने 2 मीडियम और 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने इनको पकाना है जब तक ये गुलाबी कलर की हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। ये लें जी, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और इसको इसके साथ ही फ्राई करूंगी जब तक ये हल्के से गोल्डन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये सालन होता है, ठंडी तासीर रखता है और आपको जो है नींद बहुत अच्छी आती है ये खाकर। अदरक लहसुन जो है जी 1 टीस्पून, 1 अदरक और 1 लहसुन, तो 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं। इसको भी अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई करेंगे और ये आपके हाफ़से को तेज़ करता है, नज़र को तेज़ करता है, आपको ठंडक पहुंचाता है। आपने देखा होगा बादाम और खसखास का जो हम सुबह गर्मियों में वो पीते हैं ग्राइंडर ग्राइंड करके शेक सा। ये है जी 2 छोटे टमाटर, 2 साइज़ छोटे साइज़ के टमाटर हैं, वो मैंने डाल दिए। जब प्याज का कलर जो है वो गोल्डन हो गया ना, तो फिर मैंने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन हुआ तो मैंने 2 मीडियम टमाटर डाल दिए। आप टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, आप प्याज फिर 3 डाल लें, मैंने 2 मीडियम डाले थे तो आप 3 प्याज डाल लें। ये है जी धनिया, ज़ीरा, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। तो मैंने ये सारा लिख दिया है। हल्दी 1/4 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा और पिसा हुआ ज़ीरा था पहले हमने साबुत डाला था 1 टीस्पून और धनिया भी सूखा 1 टीस्पून। मसालों को डाल के मैंने फ्राई किया 2 मिनट। फ्राई होने के बाद फिर मैंने पानी डाल दिया ताकि ये टमाटर और हमारा प्याज का मिक्सचर जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। 3-4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया और ये देखिए काफ़ी ये जो है मैश हो गया है, इसके अंदर ऑयल भी ऊपर आ गया है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जितना आपने खाना है। अगर तेज़ है तो आप 1 या 2 डाल लें, अगर माइल्ड है तो आप 3 डाल लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप ज़्यादा डाल दें। तो मैं आपको बता रही थी कि खसखास का सालन हम 2 तरीक़ों से बनाते हैं। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त क्रीमी सी खसखास पिस गई है। आपने इसका दाना नहीं रखना, बिल्कुल आपने इसको कुंडी में या फिर ग्राइंडर में जिसमें भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, क्रीम की तरह आपने इसको बनाना है, फिर ही आपको इसका टेस्ट मज़े का लगेगा। अगर आपने इसको मोटा मोटा छोड़ा इसके दाने हुए तो फिर ये इसका टेस्ट मज़े का आपके सालन का नहीं आएगा, ग्रेवी मज़े की नहीं बनेगी। अब ये खसखास बिल्कुल मैंने पीस ली मलाई की तरह नरम और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि सालन 2 तरह से बना सकते हैं। टमाटर को आप ना भी डालें तो बहुत मज़े का सालन बनता है, फिर आप प्याज ज़्यादा कर दें। मैंने 2 मीडियम डाले हैं तो फिर आप 3 मीडियम डाल लें और टमाटर को आप स्किप कर दें तो फिर भी आपका सालन मज़े का बनेगा। और ये देखें, आप इसकी भुनाई करनी है 10 से 12 मिनट, क्योंकि आपने इसको चमचा चलाते रहना, अगर आपने चमचा छोड़ा तो ये नीचे पेंदे से लग जाएगा। तो आपने 12 मिनट तक चमचा चला के इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है और फिर पानी डाल के हमने ढक देना है इसको। इसका कच्चापन जो है ना वो हमने ख़त्म करना है खसखास का, बिल्कुल इसको हमने अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स करना है 12 से 15 मिनट। और आपने चमचा चलाते रहना, अगर आपने चमचा को छोड़ा तो वो नीचे से लग जाएगा और फिर आपका सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत ही सालन गर्मियों के लिए ज़बरदस्त तोहफा है, ठंडी तासीर रखता है। आप ये खाएं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। खसखास आप दूध में मिला के रात को पिए, जिन लोगों को नींद नहीं आती तो वो दूध में पका के खसखास को खाएं या उसे भिगो के ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके खाएं तो आपको बहुत ही अच्छी फील आएगा और गर्मी भी आपकी कम होगी। ये है जी, पानी डाल दिया था और ऑयल ऊपर आ गया है, पानी डाल दिया था 1 ग्लास पहले और जब भून लिया था तो 1 ग्लास पानी डाला और ऑयल ऊपर आ गया, टोटल मैंने 2 ग्लास डाले हैं। दोबारा से फिर मैंने इसको पकाया, पानी जब इसका थोड़ा सा ड्राई हुआ तो फिर मैं दोबारा और पानी डालूंगी, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मैश करना है, इसके अंदर गला देना है अपना पानी डाल के ना, खसखास को दम पर पकाना है। ये ले जी 2 ग्लास टोटल पानी जाने हैं, कट्ठे भी आप डाल सकते हैं। और मैंने पहले 1 डाल दिया था, कैमरा सब ऑफ था,
और जब वो पानी ड्राई हुआ तो फिर मैंने और डाल दिया। अब इसको मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रखूँगी जब तक कि ऑयल ऊपर आ जाए और पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी इसका ड्राई हो गया है और ये हमारा सालन तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आप इसमें धनिया, हरी मिर्च और गर्म मसाला मिलाएँ और फिर आप इसको सर्विंग डिश में सर्व करें, रोटी या नान के साथ इंजॉय करें। ये जी धनिया मैंने डाल दिया और गर्म मसाला, थोड़ा सा हरी मिर्च। तो ये बहुत ही झटपट और इंस्टेंट ये सालन बन जाता है। अगर घर में आपके पास कुछ ना हो पकाने को और आपको समझ ना आ रही हो कि आज क्या पकाएं, तो आप खसखस का सालन गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा और ठंडी तासीर रखता है और आपको मज़ा आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको ग्राइंड बहुत अच्छी तरह करना है, बिल्कुल इसका नरम सा पेस्ट मलाई की तरह बनाना है और इसको फ्राई भी बहुत अच्छी तरह करना है, फिर आपका टेस्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। और ये देखिए जी, बबल्स आना शुरू हो गए, ऑयल ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा डाला था तो इसलिए इतना ही ऑयल ऊपर आएगा। और अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डालें, मुझे ज़्यादा ये पसंद नहीं है चीज़ें ऑयल और ये, तो मैंने कम ही डाला है। बहुत ज़बरदस्त मज़े का सालन तैयार हो गया है। तो आई होप कि आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगी। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।